समाचार एक्सप्रेस से आज डेप्थ ऑफ मेडिसिन एम्बॉयज हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश के एसोसिएटिंग प्रोफेसर डॉक्टर अशोक सिंह ठाकुर ने खास बातचीत की। इस दौरान उनसे हमने अपने आप को कोरोना से कैसे बचाएं, किसी को घर में सर्दी खांसी बुखार इस तरह के कोरोना जैसे लक्षण हो तो क्या करें, एवं घर में कोई कोरोना संक्रमित हो तो उसे क्या करना चाहिए, उस चीज सबको लेकर बातचीत की गई, जिसका उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जवाब देते हुए कोरोना संक्रमण के बचाव के बारे में जागरूक किया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इंदौर से संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले लॉकडाउन का पूरी गंभीरता से पालन करें। हमें अपने घर की सीमा में ही रहना है। घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना, यानी कि सभी घर के मेंबर्स भी घर के अंदर लगभग 1 मीटर की शारीरिक दूरी का गंभीरता से पालन करें। इसके साथ ही घर के अंदर हमें नियमित हाथ धोते रहना चाहिए, और किसी व्यक्ति को अगर थोड़ा सा छींक या खांसी आए तो उसमें हमें रुमाल का प्रयोग करना चाहिए, ताकि उसके कण वातावरण में नहीं फैले। आपका दूसरा सवाल, अगर किसी को घर में सर्दी खांसी बुखार इस तरह के कोरोना जैसे लक्षण हो तो क्या करना चाहिए, तो इसके लिए शासन के द्वारा येलो अस्पताल, जिसमें कि MY अस्पताल की फ्लू OPD भी शामिल है, में जाकर अपनी जांच कराना चाहिए। वहां पर चिकित्सक आपकी जांच कर यह डिसाइड करते हैं कि आपका कोरोना सैंपल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और उसके अनुरूप वो आगे की सारी कार्रवाई करते हैं। तीसरा सवाल, अगर घर में कोई कोरोना संक्रमित हो तो उसे क्या करना चाहिए, तो कोरोना संक्रमितों के लिए वर्तमान में शासन की जो नीति है उसके तहत सभी को भर्ती किया जा रहा है। अभी एक प्रस्ताव जरूर है जिसमें होम क्वारंटाइन की भी बात आ रही है। दोनों परिस्थितियों को अगर एक एक करके देखें कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है जो बाद में नेगेटिव हो जाता है, उसे 14 दिन के लिए घर पर भी स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन का पालन करना होता है, और अगर बाद में होम क्वारंटाइन की एब्सोल्यूट पॉलिसी आई तो उसके पूरे लक्षणों पीरियड के दौरान अगर वो लक्षण विहीन या साधारण लक्षण रहते हैं तो उसे होम क्वारंटाइन के तहत घर में एक रूम के अंदर बंद रहना है। अपनी दैनिक जो भी क्रियाकलाप है उसे स्वयं करना है, जिसमें स्वच्छता, कपड़े धोना आदि भी शामिल है। सिर्फ भोजन के लिए बाहरी जो व्यक्ति है उनसे दूर भोजन रखवा के, और उस भोजन को बाद में ग्रहण करें, साथ में अपने जो बर्तन है उसको भी स्वयं साफ करें। इन सावधानियों के द्वारा आप और आप अपने परिवार और अपने शहर को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.